हमने सुना कि जिसमें पांच लोग एक फैमिली के गुजर गए बिकॉज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. ठीक है, सर्दी में हमें गर्मी की जो भी कोई डिवाइस है या कोई भी ऐसा आला है जो हमें गर्मी फराहम करे, इसकी जरूरत होती है. अब इसमें मसला तब आ जाता है जब इसमें कोई गैस यूजिंग डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि डोलंगी आजकल हम घर में यूज कर रहे होते हैं. तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब हम एक बंद कमरे में इस डिवाइस को, इस आला को यूज करते हैं, तो प्रॉब्लम ये होता है कि ऑक्सीजन जो एक गैस है जो कि हमें सांस लेने के लिए जरूरी है, हमें एनर्जी देता है, तो वो हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं सांस के साथ. तो बर्निंग या कोई भी चीज जैसे गैस जलना, चूल्हा जलना, उसमें ये ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल होता है और ये साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का एक गैस उल्टा इधर से निकल आता है. तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जब अगर गैस आपके क्लोज्ड एनवायरनमेंट, एक बंद एनवायरनमेंट में फराहम हो, तो उसको जब आप सांस में ज्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है. उसकी वजह से इंसान ब्रेथलेसनेस फील करता है, सांस ठीक से नहीं ले पाता है, लाइट हेडेडनेस, तुम चुग्यूर बासान, और ऐसा लगता है कि सर में काफी दर्द हो रहा है और अनकॉन्शियस जैसा होने लगता है. तो होता यह है अक्सर जब लोग शाम को सोने चले जाते हैं, वो अपने गैस हीटर्स ऑन रखे चले जाते हैं, उसकी वजह से ये हो जाता है कि जब रूम बंद हो जाता है तो रात जो जो रात वक्त गुजरता है तो ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में. नतीजा ये निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड की लेवल इंक्रीज हो जाती है उस बंद कमरे में, जहां पे लोग खिड़कियां भी बंद करके होती हैं क्योंकि सर्दी काफी होती है. जाहिर सी बात है लोग अपनी गर्मी का खास तौर पर एक एफर्ट लेके रखते हैं ताकि रूम गर्म रहे. तो ओवर क्राउडिंग भी साथ में एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हम बोला जा सकता है. इसमें यह होता है कि जल्दी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है. इंसान को पता भी नहीं चलता है कि ये गैस किस तरीके से रूम में बढ़ रहा है, किस तरीके से हमारे पूरे अपने कमरे में इतना बढ़ रहा है कि इंसान इस पे सोच भी नहीं पाता है. और आहिस्ता आहिस्ता इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड की जो पॉइजनिंग है लेवल इंक्रीज हो जाती है अपने ब्रेन में, और जिसकी वजह से इंसान की फोथ हो सकती है. तो इस चीज का कुछ खास ख्याल रखने की जरूरत है यहां पर कि रेगुलरली जब भी सर्दी आए उससे पहले अपने जो भी गैस हीटिंग रिलेटेड डिवाइसेस हैं जिससे आपको गर्मी फराहम होती है उसको चेक कराएं, उसको चेक कराएं. जो भी उनके टेक्नीशियंस होते हैं देखें कहीं लीकेज तो नहीं है, कहीं ऐसा कोई क्रैक तो नहीं है जहां बर्नर्स में क्रैक आ जाते हैं. तो वहां से भी कार्बन मोनोऑक्साइड लीक हो जाता है, गैस लीक हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जो पोअर कम्बशन होती है नतीजा निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है. तो दूसरी एक बात है कि एक हम अपने अपने इस फील्ड में, पब्लिक हेल्थ साइड के फील्ड में, हम अक्सर बोलते हैं कि मल्टी मॉडल अप्रोच इस्तेमाल करना चाहिए. चाहिए कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जो इन ये डिवाइसेस बेचने को रेगुलेट कर सकती हैं, उन्हें चाहिए कि जैसे मैंने देखा है कि बाहर आउटसाइड इंडिया जो भी ये गर्मी देने वाले आला होते हैं इनको एक सेफ्टी मैकेनिज्म इंस्टॉल्ड होता है जो भी गैस से चलते हैं. जो ही देखा जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल उस बंद रूम में या इसके आसपास ज्यादा बढ़ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली डिवाइस बंद हो जाती है. तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि साइंस ने भी इतनी तरक्की कर दी और ये टेक्नोलॉजी, ये सेफ्टी मैकेनिज्म इतना महंगा है भी नहीं, तो ये जाहिर सी बात है कि इस चीज की जरूरत काफी ज्यादा है क्योंकि यहां सर्दी तो पड़ती ही है. तो ये सेफ्टी मैकेनिज्म काफी जरूरी है अपनी हमारी गैस रिलेटेड हीटिंग डिवाइसेस में होना, ताकि जब कभी भी ऐसा हो जाए कि इंसान लापरवाही से ये गैस हीटर्स, डुलंगी ऐसे ऑन रख ले, तो ऑटोमेटिकली ये इसका सेफ्टी मैकेनिज्म ऑन हो जाए और वो ऑटोमेटिकली कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल की इंक्रीज होने से ऑफ हो जाए. दूसरा ये भी सही रहेगा कि लोग खुद भी अपना ख्याल रखें कि वो ऐसी गैस रिलेटेड जो भी ये डिवाइसेस हैं, जो भी गैस से चलती हैं, उन्हें ऐसे ही अनअटेंडेड रात को ऑन ना रख दें. कुछ देर के लिए रखें, थोड़ा रूम गर्म हो जाए, कुछ अलग आला इस्तेमाल करें. जैसे कि ट्रेडिशनली हम कन्वेंशनली अगर पावर ना हो तो वाटर बॉटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, सो ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए इंसान को, जो भी हमारे आसपास लोग हैं उनको खास ख्याल रखना चाहिए और रात को बिल्कुल भी ऐसे कंटिन्यूसली ओपन ना रखें.